मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विको एजुकेशन टेक इन्फो में। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों को इंतजार है फर्स्ट लिस्ट आने का। आखिर कब तक आएगी फर्स्ट लिस्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको 13,500 रुपये कहाँ पर जमा करवाने हैं, या खुद करना है, या फिर ई मित्र से। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, कितनों ने अब तक काउंसलिंग करवाई है, और इस बार कितनी लिस्ट आएगी, और कट ऑफ क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मुझे कितने नंबर पर कॉलेज मिला है ये भी बताऊंगा। और मैं भी फर्स्ट ईयर अभी मेरी चल रही है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इंटर्नशिप क्या होता है, डायरी कैसे बनानी है। आपको फर्स्ट ईयर में आओगे जब तक, है ना, तब आपको क्या क्या करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला पॉइंट आपका रहेगा, मुझे कितने नंबर पर कॉलेज मिला। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 367 पे कॉलेज मिल गया था, सेकेंड चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट में, ओके, 2021 में। अब बात करते हैं दोस्तों, 13,500 आपको हैं जो कि कहाँ पर जमा करवाने हैं। दोस्तों, आपने काउंसलिंग की थी तब आपने सेल्फ किया था, 3,000 आपने सेल्फ हैं जो कि आपने वो किया था डिपॉजिट, ठीक है, काटे थे आपने खुद से, है ना। तो इस बार दोस्तों 13,500 आपको खुद नहीं काटने, जहाँ तक आप मेरी मानो तो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम है। अगर आप कहीं ट्रांजेक्शन में फंस जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं, लेकिन वहाँ पर है जो कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर आप है जो कि कमेंट करते हैं कि मेरा 13,500 कट गए, अब क्या करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। काउंसलिंग में बहुत सारे मेरे कमेंट आए थे कि मेरे 3,000 कट गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो इस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो आपको क्या है कि खुद से नहीं करना है, आप ई मित्र पर जाकर आपको ये काउंसलिंग है जो कि ये काउंसलिंग जो आपकी एडमिशन फीस है वो आपको करवानी है, ताकि आपको चाहे 100 रुपये वो एक्स्ट्रा लेगा, उससे क्यों कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप 13,500 फंस गए ना, तो आने में बहुत समय लग जाएगा, और आपको दूसरी फीस की व्यवस्था भी आप नहीं कर पाओगे ना। तो जहाँ तक मेरी मानो तो आप सेल्फ ना करें, आप है जो ई मित्र पर जाकर कहीं पर भी जाकर आप करवा सकते हो, ओके। और डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्या क्या लगने वाला है, आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और आपकी जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपको चाहिए, है ना। और दोस्तों, आपके जाति मूल हैं जो कि नए होने चाहिए, डिजिटल वाले ई मित्र के द्वारा बने हुए होने चाहिए, ना कि ऑफलाइन वाले। ऑफलाइन वाले होंगे तो आपके हैं जो कि यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं होने वाली है, और टीसी आपको नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कितने नए लोगों ने अब तक काउंसलिंग करवाई। तो दोस्तों, कुछ कटिंग मैंने पहले भी न्यूज़ आपको बताई थी, सिर्फ दोस्तों 90,000 लोगों ने जो कि काउंसलिंग करवाई थी, यानी 3,000 रुपये जमा किए थे 90,000 लोगों ने। और दोस्तों है जो कि आपको हैं जो जिनके भी 300 नंबर बन रहे, उनका दोस्तों किसी न किसी लिस्ट में आने के चांसेस दिख रहे हैं। और दोस्तों, जैसी आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, है ना, और कब तक आएगी वो मैं आगे बताता हूँ, जैसी आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, मैं लाइव आने वाला हूँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लाइव में आपको बताऊँगा आपके कितने नंबर आए, कॉलेज अलर्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, है ना। तो दोस्तों, अब हम बता देते हैं कि आपकी फर्स्ट लिस्ट है जो कब तक आएगी। तो दोस्तों, आपकी फर्स्ट लिस्ट है दोस्तों, वो दोस्तों देखो 15 तारीख तक आ सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है 15 तारीख तक आ सकती है, क्योंकि पिछले बार 10 दिन में आ चुकी थी, और इस बार दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, वो 15 तारीख को आ जाएगी। अगर 15 तारीख को नहीं आती हैं, तो दोस्तों 20 तारीख से पहले पहले आपका फिक्स है, कन्फर्म है कि आ जाएगी, वो लाइव आकर मैं बता दूंगा, है ना। अब बात दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं, और इस बार कितनी लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, दो लिस्ट आपको ज़रूर आएगी, और अगर सिर्फ कुछ सीटें खाली होगी तो तीसरी और चौथी लिस्ट भी आ सकती हैं, 4 लिस्ट तो आने की संभावना रहती हैं। लेकिन अगर दोनों लिस्टों में हैं जो कि स्टूडेंट भाग ले लेते हैं, तो दोस्तों थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको हैं जो कि यहाँ पर कि कट ऑफ क्या रहती है, ओके, तो बता देते हैं हम यहाँ, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ है। तो अगर जनरल की बात करें, 405 से 410 के बीच है ना, इस तरह से अगर आप 405 हैं जो कि फीमेल हैं, और 410 जो कि मेल हैं, है ना, तो देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपके 405 से 410 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी से आप हो और आपके नंबर बन रहे हैं, तो दोस्तों आपके चांसेस हैं जो कि यहाँ पर मिलने वाले हैं फर्स्ट लिस्ट में। हालांकि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका किसी न किसी लिस्ट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। OBC की बात करें दोस्तों, तो 400 से 405 के बीच। MBC की बात करें, 385 से 390 के बीच। EWC की बात करें, तो 375 से 380 के बीच।
और एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों 365 से 370 के बीच, और दोस्तों जिनके एसटी वाले हैं उनकी बात करें दोस्तों 360 से और 365 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है। टीएसपी के दोस्तों थोड़ी इसमें से 5-5 नंबर आप कम कर सकते हो, जिसकी एसटी टीएसपी की है, टीएसपी से है उनके 60 से 55 है या फिर 50 है। दोस्तों जिनके 50 है उनके फर्स्ट लिस्ट में आने के चांसेस हैं कि एसटी या फिर एससी कैटेगरी में। और दोस्तों आपके जिनके भी 320-300 नंबर बन रहे हैं, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है, तो दोस्तों उनको हैं जो कि किसी न किसी लिस्ट में जो कॉलेज मिलने की हैं जो कि संभावना है ना। और ये कट ऑफ दोस्तों कोई फिक्स कट ऑफ नहीं बता रहे हम, ये रहने वाली हैं, लेकिन आंकड़ा मान के चल सकते हो ये कट ऑफ आपके लिए सेफ है। जिनके इतने नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने का चांसेस दिख रहे हैं, है ना। अब दोस्तों जैसे फर्स्ट लिस्ट आएगी हम आपको लाइव आकर बता देंगे किस तरह से आपको चेक करना है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय रसान, जय जोहार, जय आदिवासी।